माँ की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे छोले, जिसे काबुली चना भी कहते हैं। तो उसके लिए मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच तेल ले लिया है। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे जीरा। फिर इसमें घी ऐड करेंगे। ये देखिए, मैंने 4 प्याज चॉप करके रखे हैं लंबे लंबे। अदरक डाला है और इसमें हम लहसुन नहीं डालते हैं कभी भी। हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे आराम से। धीरे धीरे धीमी आंच में भूनना है। ये देखिए, छोले मैंने उबाल लिए थे और इनको मैंने तेज पत्ता, लौंग, काली मिर्च, इलायची डाला था और 1.5-2 चम्मच नमक भी डाला था। उसके बाद अब हम इसे, जब प्याज भून जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे बाकी मसालों के साथ में। ये देखिए, प्याज अच्छी तरह से भुन गया है और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये सारे मसाले मैंने लिए हैं, हल्दी, गरम मसाला, भुना हुआ जीरा, धनिया पाउडर, थोड़ा सा सौंठ पाउडर, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, काली मिर्च और थोड़ा सा सौंफ का पाउडर, जो कि डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें बहुत सारे मसाले, घी, तेल डालें तभी खाना टेस्टी बनेगा। खाने को टेस्टी बनाने के लिए ये सब चीज़ें कतई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर अन्न का एक अपना टेस्ट होता है। तो उसको बाहर आने दें और जितने ज़रूरी मसाले या तेल हैं उतना डालिए। इसको हम ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे। और जो हमने छोले उबाल रखे हैं उनको हम अब ऐड कर देंगे, इसको मिक्स करेंगे। टमाटर में इसमें नहीं डालूंगी, टमाटर के लिए, टमाटर की जगह पे जो खट्टापन देगा वो इमली का मैं रस डालूंगी, जिसमें मैंने उबाल लिया है और छान लिया है। और इन छोलों के साथ मैं पूड़ी बनाऊंगी, आमरस बनाऊंगी। आमरस बनाना बहुत ही आसान है, जितना आपको आमरस चाहिए उस हिसाब से आम छीलिए और एक बार मिक्सी में चला दीजिए। पूड़ी तो सभी को पता है कैसी बननी चाहिए, उसके लिए मैंने कड़क आटा लगा लिया है, जिसमें अजवाइन, कलौंजी और थोड़ा सा मोयन लेके उसको गूंथ के रख लिया है, क्योंकि आटे को रेस्ट पे डालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो भी, पूड़ी बना रहे हैं या कोई भी चीज़ बना रहे हैं, आटे को तुरंत इस्तेमाल नहीं करते गूंथने के बाद। ये देखिए, मैंने सारा चना इसमें मिक्स कर दिया है और अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। जितनी आपको ग्रेवी रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप पानी डालिए। और ये मैंने इमली को उबाल के रख लिया था, जितनी खटास आपको चाहिए उतनी इमली इसमें ऐड कर दीजिए। बस इसको हम 10 मिनट पकने देंगे, जब ये थोड़ा सा गाढ़ा होगा तब हम आंच बंद कर देंगे और छोले रेडी हो जाएंगे। थोड़ा सा इसमें धनिया भी डालेंगे और थोड़ा बाद में डालेंगे जब ये रेडी हो जाएगा। अगर आपको खट्टे छोले पसंद हैं तो आप इसमें शुगर ऐड मत करिए, अदरवाइज पिंच शुगर जरूर ऐड करिए, जिससे इसमें पिंच से थोड़ा ज्यादा लीजिए, जिससे इसमें खट मीठा टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। बस इसको पकने दीजिए, छोले बहुत अच्छे से गले हुए हैं।
देखिए छोले बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इसमें अब हम ऊपर से हरा धनिया डालेंगे गार्निशिंग के लिए, फाइनल टच भी देगा इसको। अब छोले देखिए आप इस तरह गले होना चाहिए कि आप हल्का सा भी इसको दबाएं तो ये देखिए छोले एकदम रेडी हैं। अब हम इसको गैस को बंद करेंगे और इसको पूड़ियों के साथ सर्व करेंगे। अब हम इसमें गर्मा गर्म पूड़ियां तलेंगे। छोलों के साथ के लिए गर्मा गर्म पूड़ियाँ तली जा रही हैं। एकदम खस्ता करारी बन रही हैं क्योंकि इसमें मोइन भी डाला था, कलौंजी और अजवाइन भी ऐड करी थी क्योंकि डाइजेस्टिव होती है जो अजवाइन होती है। इसी तरह सारी पूड़ियाँ निकाल ली हैं। लीजिए गर्मा गर्म खस्ता पूड़ियाँ तैयार हो गई हैं। अब हम इसे सर्व करेंगे। हम प्लेटिंग करते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम छोले डालेंगे और ये मैंने कटहल का अचार डाला है जो मैंने खुद घर पे बनाया है। ये मैंने आमरस बनाया है, इसको भी हम सर्व करेंगे। हल्का सा इसमें काला नमक और थोड़ा सा हमने काली मिर्च पाउडर पिंच, और ये लच्छेदार प्याज बनाए हैं जिसको मैंने गोल गोल काट लिया है, दो तीन बार धो लिया है और उसके बाद इसमें नींबू और हल्का सा काला नमक डाला है। ये है हमारी गर्मा गर्म पूरी। लीजिए हमारी छोले पूड़ी वाली थाली तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।